Oh, mic kita kat tadi bye ni. Kutik. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक सरप्राइज़ रखा है आपके लिए, तो आज वो सरप्राइज़ की ही वीडियो है। तो सरप्राइज़ ये है कि मैंने मंगाया है ये DJI एक्शन 2, जो कि है एक एक्शन कैमरा, जैसे GoPro होता है सेम वैसे ही। तो ये आज ही डिलीवर हुआ मुझे। तो ये लेने का मन इसलिए बना मेरा क्योंकि इसके बाद इसके पहले मैंने जब हम लोग गानला फोर्ट पे गए थे तो तब मैंने एक हमारे मेंबर है जिम के उनका GoPro यूज़ किया था, तो वो मुझे इतना प्यारा लगा कि मुझे ये एक्शन कैमरा लेना ही पड़ गया, क्योंकि इसके फ़ायदे ही बहुत है, प्लस साइज़ बहुत छोटा है एंड इससे आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो। ये इसकी एक साल की वारंटी का बारकोड है। तो इससे पहले मैं बोल दूं कि मैंने GoPro यूज़ किया था वहाँ पे गालना फोर्ट पे, बट मैंने वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसमें मेरा जो ये Digitech का माइक है जो मैं करंटली अपने आईफोन में यूज़ करता हूँ, तो इसके दो साइड्स है, एक लाइटनिंग पोर्ट है जो आईफोन के मेरे 14 प्रो मैक्स में कनेक्ट होता है एंड दूसरा है टाइप सी। तो ये माइक ये एक्शन कैमरा टाइप सी सपोर्ट करता है माइक, तो इसलिए मैंने ये लिया क्योंकि GoPro में सपोर्ट GoPro ही कर सकता है बट उसमें माइक लगाने की जगह नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया और इसका टच भी उससे बेटर है। तो ये देखिए इसमें क्या है, कुछ मेरे ख्याल से वही यूज़र मैनुअल होगा ना, वही आलतू फालतू जान दो, नो टाइम वेस्ट। तो ये सामने ही आते हैं हमारे एक्शन कैमरा, ये मैंने लिया है डुअल स्क्रीन कॉम्बो, इसमें एक पावर कॉम्बो भी आता है जिसमें ऊपर कैमरा और स्क्रीन, नीचे सिर्फ पावर बैंक होता है उसका, बट इसमें मैंने जो लिया है पावर बैंक के साथ इसमें रियर स्क्रीन भी है। आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, ये देखिए ये है इसका कैमरा और इसके पीछे है इसकी स्क्रीन, कैमरा स्क्रीन, ओके। और दूसरा यूनिट जो है वो है पावर बैंक, बट इसके साथ भी पीछे स्क्रीन है, वो क्यों आपको समझाता हूँ एक सेकंड। ये शायद मैग्नेट हाँ लग गया, क्या मैग्नेट पावर बहुत तगड़ी है। सो मैं ऑन करता हूँ एक बार इसको, ओके। तो ये है इसका कैमरा है ना, और उसके पीछे उसकी स्क्रीन आती है, बट जब मैं सेल्फ ब्लॉगिंग करूँगा ऐसे तो ये स्क्रीन इस तरफ है, बट मुझे मैं खुद देख पा रहा हूँ खुद को क्योंकि इसकी एक स्क्रीन पीछे की तरफ भी है, ड्यूअल स्क्रीन है ये देखिए, और इसका जो एंगल है काफ़ी वाइड है, इतने पास से इतना वाइड कैप्चर कर रहा है तो बहुत अच्छा है ये। एंड स्क्रीन क्वालिटी बहुत तगड़ी है। चलो इसके साथ क्या क्या आया वो दिखाता हूँ आपको। एक माउंट है ये जो कि DJI क्लेम करती है कि इसमें कुछ तो स्टिकी सब्सटेंस है ये, और रीयूजेबल है, समझो मैंने अभी इसको यहाँ चिपका दिया और ट्राईपॉड के माउंट लगाने के बाद इसको यहाँ लगा दिया तो ये वही स्टिक हो जाएगा,
और वापस मैं इसको यहाँ निकाल ऐसे निकाल लूँगा और वापस कई यूज इसको वही मैं यूज़ कर सकता हूँ। और अगर इनकेस यहाँ डस्ट भी लग गया तो ये पानी से धोने के बाद वापस हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी काम आने वाला फीचर है। ज़्यादातर तो ये जिम के मिरर्स में लगा के शूट करने के लिए बहुत काम आएगा। तो इसको वापस रख देते हैं। इसके साथ है ये एक आई थिंक ट्राईपॉड, हाँ ट्राईपॉड का माउंट है, इसमें बॉल हेड है, तो ऐसे वैसे मैं कहीं भी इसको घुमा के सेट कर सकता हूँ। और ये हाँ, क्या ग्रिप है यार ये ऐसा। तो और इसको खोलने के लिए ऐसे होगा, ये सेकंड नंबर का, ये इसकी पावर केबल USB 2 Type-C, ये क्या साला, ये आई थिंक हाँ गोप्रो की जो एसेसरीज है उसमें ये माउंट होने के लिए एक एक्स्ट्रा ये दिया है। मैं एक्चुअली वो ऑर्डर भी किया है एक, जो कि कुछ तो 1000 की 1200 में पूरी गोप्रो या जो भी एक्शन कैमरा होते हैं उनकी एसेसरीज वगैरह इसमें है, तो ये उसमें काम आएगा। और जो सबसे बेस्ट इसका मुझे लगा, ये इसको क्या बोलते हैं, लाइन वाइन कुछ तो बोलते हैं, एक तरह का लॉकेट है। और इस पे ये कैमरे का जो मेन यूनिट है ना ये वाला, ये ऐसे ऐसे कैसे, हाँ ये कैसे अटैच होगा इसमें, ऐसे होगा। तो ये पहनने के बाद इसको ऐसे अपने टी शर्ट के अंदर लेके, और ये मेरा कैमरा, मैं अभी इसको ऐसे माउंट कर सकता हूँ। तो ये उसके लिए है। बाकी इसकी मैं जो भी कुछ फुटेज वगैरह लूँगा अभी थोड़े टाइम में, वो मैं वीडियो के एंड में लगा दूँगा। तो इसका फ़ायदा भी क्या है, साइज़ बहुत छोटा है, देन नीचे पावर बैंक है, प्लस स्क्रीन क्वालिटी बहुत तगड़ी है। और जहाँ हमको लगता है कि हम अपने मोबाइल से शूट नहीं कर पाएंगे तो वहाँ ये हमारी हेल्प करेगा। मेन तो इससे मैं मोटो ब्लॉगिंग बहुत अच्छे से कर पाऊँगा। एक बार क्लोज़अप देख लो आप सब, अभी इसमें आपको मेरा फेस दिख रहा होगा, काफ़ी वाइड एंगल है। और इसमें शूटिंग सपोर्ट है 4K up to 120 FPS, डेट मीन्स मैं इसमें स्लो मोशन भी बहुत अच्छे ले सकता हूँ। बट मैं रेगुलर शूट करता हूँ 4K 60 FPS में, क्योंकि वो एक बेस्ट मोड है रिकॉर्डिंग के लिए। कभी अगर हमको बहुत ज़्यादा सिनेमेटिक शॉट्स लेने हैं स्लो मोशन के तो 4K 120 FPS भी काम आएगा मेरे। तो ये था वो सरप्राइज़। तो इसके बाद मैं इसकी फुटेज डालूंगा बाइक पे जाते हुए की, एंड कुछ इंडोर कुछ आउटडोर फुटेज भी, तो आप सब वो चेक करो। थैंक यू। टोमा तो की कर दी है, टोमी की कर दी तू, कूतरो कूती 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 की कर दी तू, की कर दी, की कर दी, कूतरो कूतरो कूतरो।
नीचे से ले लक्ष्मी।